हाँ यहाँ आओ, थोड़ा नज़दीक आओ। माइक ले लो, अच्छे से बैठ जाओ बेटा। कहाँ से आए? बरखेड़ा गांव के मालखेड़ा तहसील से। कहाँ पड़ता है? मालखेड़ा तहसील में पड़ता है बरखेड़ा गांव। ये जोई जिला है का? हाँ, अलवर जिला। अलवर जिला, अलवर जिला। पहली बार दरबार में आए? जी महाराज। किसी को अपनी समस्या या विषय के बारे में तो नहीं बताया? नहीं बताया। काम ने पूछा तो नहीं आपसे? नहीं। पढ़े लिखे तो हो? एम ए बी एड। क्या करें? MA BEd। MA BEd? अरे हमसे बहुत ज्यादा पढ़े बेटा, आगे को लगो हम तो बी ए ही में रुक गए थे। पूछो क्या समाधान चाहते हो बालाजी से, पूछो। हमने बालाजी फिर भी पूछो सबके लिए। हाँ पूछ लो, फिर भी पूछ लो। हाओ हाओ, एक प्रश्न और। हाँ तो चाहते हो तुम? हमारे पर्चे में जो आया शायद उल्टा गलत हो, आप माइक से भी हाँ ना कह सकते हो। बहुत परेशान रहे, नौकरी नहीं मिली है, 2015 से लगातार हैरान है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ, दिमाग तनाव में बना हुआ है। क्या एकदम सही? जी हैं? जी, यही भाव से आए थे। सुख शांति रहेगी, परिवार में एकता बनी रहेगी सूरज जी, एवं भक्ति बनी रहेगी, स्वयं का कारोबार डालें, आगे 2025 में प्रारंभ में ही सफल हो जाएंगे, आशीर्वाद है। धन्यवाद। बराबर। और एक बात और, हमने आपको पहले नंबर पर इसलिए बुलाया है कि आपका विचार घर से चलते ही था कि हमें पहले नंबर पर बुलाएं और हमारी अर्जी लगे और हमको बुला भर लें तो हम मान जाएंगे कि हनुमान जी की कृपा है या नहीं तुम्हारी ठटरी। जी महाराज, ये मेरी हार्दिक इच्छा थी, मैं पहला नंबर मेरा ही लगेगा। हमने पहले ही लगाओ, तुम आओ। लगो। लगा महाराज। बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो बागेश्वर महाराज की, बागेश्वर महाराज की, बागेश्वर महाराज की। स्वयं का व्यापार डाल सकते हैं आप, ठीक है। बीच बीच में कलेश भयंकर हो जाता है, और कुछ पूछना है? वो तो सब इनको पता है बालाजी महाराज, फिर भी एक बार अब सब कुछ इनके चरणों में अर्पित कर रखा है, पूछने मांगने की जरूरत क्या? दो बातें और हमने लिखी, शायद गलत हो। पेट की अपच शरीर की पीड़ा ठीक होगी, आर्थिक विकास भी आपका शीघ्र हो जाएगा और भवन का काम भी तुम्हारा हो जाएगा, आशीर्वाद है। क्या ये जरूरत है? जरूरत। सीताराम, यो पर्चा भी है, यही में मंत्र लिखा हमने, तुम्हें धाम आना है, हम कवच दे देंगे, कोई भी भूत बाधा नहीं है। क्योंकि आपका मन विचलित रहा, कारण भी सुनिए, मन विचलित रहा, कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई थी, पारिवारिक परिस्थितियां निर्मित हुई थी, इसलिए फोकस नहीं कर पाए, इसलिए आपका सरकारी जॉब योग का जो चंद्रमा था वो नहीं बन पाया, अति से ज़्यादा वर्तमान में उसी कारण से ग्रसित हो। आप नियम शुरू करो, हम उपाय करेंगे, और जो टाइम दिया हुआ है इसी टाइम के अंतर्गत कृपा होगी। बस आप बालाजी के चरणों को ध्याओ, अपने कर्तव्य पर भरोसा रखो, जाओ, आशीर्वाद है। अंगलाक्रम, आइए धाम, आइयो मालिक। ओ नेताजी, धाम धाम आइयो। हाँ तुमने हमें टेस्ट लो, हम तुम्हें टेस्ट ले भी नहीं था, नहीं तो हम पोल खोल भी तुम्हारी। हाँ खुश रहो, आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुजी, मेरे पति 10 साल से बेड पे हैं, उनको लेटरिन बाथरूम का कुछ पता नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो अभी तक सही क्यों नहीं हो रहे,
और किसी ने कुछ कहां से आए आप? मैं भरतपुर राजस्थान से आई हूँ। हमारे पास एक ही पर्चा बचा है, 4 नंबर का। पढ़ी लिखी तो हैं आप? जी जी गुरु जी। ठीक है, ऐसे बैठो थोड़ा सा हनुमान जी की तरफ। एक और प्रश्न पूछो। और ये पूछना चाहती हूँ कि भाई परिवार में सभी पर तंत्र विद्या की गई है, पति परेशान है, भैरव पूजा करें तंत्र हट जाएगा, शरीर में शून्यपन है, शरीर में शून्यपन है, चलने फिरने में पति को दिक्कत बनी हुई है, दबा असर नहीं कर रही है, 2012 से पूरे घर में दिक्कत बनी। जी गुरु जी, जी बराबर जी गुरु जी। तंत्र विद्या आई है, आप भैरव पूजा करो, जाओ कट जाए आशीर्वाद। गुरु जी किसने कर रखी है ये पता नहीं। राम बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। कलेश भी बहुत हो जाता है, दबा बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है। पति पर हमारी आज तक बनती नहीं है। वही कलेश, कलेश मतलब लड़ाई। गुरु जी मैं कितना ही अच्छा करती हूँ, फिर भी आज तक मुझे कोई आदर सम्मान नहीं मिला घर में। आप 3 दिन की अखंड ज्योति जलाओ, भैरव पूजा करो, जाओ आशीर्वाद। अखंड ज्योति, हाँ धाम आ जाइयो, हम उपाय कर दें, नियम शुरू करो, समय लगे, ठीक हो जाओ आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम, बागेश्वर धाम की जय।